या अनिश्चित समाकलन का पार्ट टू है। इसमें हम लोग ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कम से कम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो इंजीनियरिंग पीटी है, आपका 12th लेवल से जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल वगैरह, एसएससी सीजीएल वगैरह, इनमें सभी क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को हम करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कॉस एक्स प्लस वन अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स, इसको हमको एक्स के सापेक्ष समाकलन करने दिए, टी फंक्शन वाला है। चलिए तो यहाँ पे हम मानते हैं कि साइन एक्स धन एक्स इक्वल टू टी माना, और जब इसका हम अवकलन करते हैं तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और एक्स का होता है वन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया है आई बराबर दिया है समाकलन कॉस एक्स प्लस वन अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास बना कॉस एक्स प्लस वन डी एक्स को माना डी टी, और वन अपॉन साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स टी है तो ये हो जाएगा वन अपॉन टी इंटू डी टी, और वन अपॉन टी को हम जब अवकलन करते हैं तो इसका रूप मिलता है लॉग टी, और लॉग टी है तो टी का वैल्यू क्या है, लॉग टी का वैल्यू है साइन एक्स धन एक्स। ये हो गया इसका आंसर, बहुत ही सरल है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो फिर आसानी से आपको समझ आ जाएगा, और समझ नहीं आता तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन माइनस साइन एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको कैसे बनाएंगे। तो नीचे वाले को टी मानते हैं चलिए, और हमेशा याद रखना कि जब भी समाकलन रूप होता है तो वो इस प्रकार से ऐसे रूप में रहता है, समाकलन के साथ डी एक्स रहता है। तो नीचे वाला फंक्शन को एक्स धन कॉस एक्स, इसको माना हमने टी, इसका अवकलन कीजिए तो क्या एक्स का एक होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाता है, ये डी एक्स हो गया इंटू डी टी हो गया। क्या ऐसा फंक्शन दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है ऊपर में, तो ये हो गया वन अपॉन टी इंटू डी टी, ये समाकलन रूप में इसका सेम हो गया लॉग टी, और टी का वैल्यू क्या है, लॉग टी का वैल्यू है एक्स धन कॉस एक्स, ये सेकंड टाइप का हो गया है ना सेम। अब एक और प्रश्न इसी टाइप का, तीसरा नंबर का, जैसे कॉसेक स्क्वेयर एक्स वन प्लस कॉट एक्स, इस प्रकार से जब दिया हो तो क्या बनाते हैं। तो नीचे वाले को हम टी मानते हैं, वन प्लस कॉट एक्स को माना हमने टी, और इसका जब आप अवकलन करते हैं एक्स का तो नहीं होता, जीरो होता है, कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वेयर एक्स, ऐसा होता है इन डी एक्स इंटू ए इज इक्वल टू डी टी ऐसा, लेकिन यहाँ पे प्लस में है तो माइनस उधर ट्रांसफ़र कर दोगे है ना, तो माइनस ट्रांसफ़र करने पर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू माइनस डी टी। तो यहाँ पे अब क्या होगा, समाकलन इस प्रूफ में दिया है कॉसेक कॉसेक एक्स अपन वन प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, तो ये सेम हो गया वन अपॉन टी इंटू डी टी ऐसा, ये हो गया लॉग टी, और टी का फंक्शन क्या है आपके पास, ये वाला फंक्शन, तो ये हो गया लॉग लॉग हो गया वन प्लस कॉट एक्स, ये हो गया इसका आंसर। ये थे जो पेपर में कई बार आए हुए हैं। अब चलिए हम कुछ नया क्वेश्चन करते हैं जो कई बार और पूछा गया है। पहला प्रश्न है जैसे कि समाकलन करना है वन माइनस टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स, इस प्रकार से दिया है अंदर वाला, तो इसको क्या करूँ कि आप टेन को आप क्या कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो आई बराबर हम चेंज किया समाकलन वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स पूरे का बटा वन प्लस, इसको भी सेम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब याद रखना तिरेक गुना करते हैं तो सेम सेम फंक्शन नीचे वाला फंक्शन कट जाएगा सेम आएगा, तो उसके बाद कटने पर क्या फंक्शन आता है आपके पास, आएगा कॉस एक्स ऋण साइन एक्स, इधर आएगा कॉस एक्स धन साइन एक्स इंटू डी एक्स है ना। अब ये हो गया आई फंक्शन, अब चलिए नीचे वाले फंक्शन को हम टी मानते हैं तो यहाँ पे मानते हैं कॉस एक्स धन साइन एक्स इजिकल टू टी, तो इसका अवकलन करो तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, और साइन का होता है कॉस एक्स इन डी एक्स इन
टू डी टी बराबर डी टी हो गया। तो ये फंक्शन ऊपर में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये हो गया आपका, इसका हो गया डी टी और नीचे में हो गया वन अपॉन टी। तो ये हो गया लॉग टी, और लॉग के साथ अगर टी है तो टी का मान क्या था, ये वाला मान था। तो हो गया कॉस एक्स धन साइन एक्स, ये था इसका आंसर, बहुत ही सरल। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, बहुत ही सरल है। आपके पास फंक्शन दिया गया है, जैसे कॉस टू एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स दोनों का स्क्वायर है इंटू डी एक्स है, ये आई टर्म्स में दिया हुआ है ऐसा समाकलन रूप में, बहुत ही सरल है। कॉस टू एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेंज करें फार्मूला रूप। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका कॉस टू एक्स का ये फार्मूला होता है, नीचे में है साइन एक्स धन कॉस एक्स होल का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए धन बी और ए ऋण बी इंटू डी एक्स यहाँ पे, है ना। तो इसका जैसे करते हैं तो देखिए क्या बनता है, कॉस एक्स धन साइन एक्स माइन इसका हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे में क्या है साइन एक्स धन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये सेम सेम दिख रहा है, प्लस में तो एक कट जाएगा तो एक नीचे में बचेगा, तो आपके पास नीचे में क्या बचा कॉस एक्स साइन एक्स, और नीचे में क्या बचा साइन एक्स धन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका आप क्या करें, तो नीचे वाले टर्म्स को क्या करते हैं हम टी बांधते हैं, तो साइन एक्स धन कॉस एक्स को माना मैंने टी, इसका अवकलन करो तो साइन एक्स को होता है कॉस एक्स और इसका हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इंटू डी टी। तो सेम वही है, इसको हो गया टी वन अपॉन टी और इसका ऊपर वाला का हो गया डी टी, इसका आप समाकलन कीजिए तो लॉग टी, और लॉग टी का क्या होगा लॉग का लॉग, और टी का फंक्शन क्या था यहाँ पे साइन एक्स धन कॉस एक्स, ये हो गया इसका आंसर, बहुत ही सरल है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आ जाएगा, अगर वीडियो समझ नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए आपको समझ आ जाता है ना। और एक लास्टली क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, चलिए करते हैं। यहाँ पे दिया है आई बराबर दिया है, समाकलन का रूप दिया है कॉस एक्स थ्री प्लस फोर साइन एक्स, इसका हमको निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहले अब नीचे वाले को टी मानिए, थ्री प्लस फोर साइन एक्स इक्वल टू टी। अब इसका क्या होगा चलिए बताइए, तो थ्री का तो नहीं होगा है ना, फोर का होगा, फोर को निकाले साइन का कॉस एक्स डी एक्स इंटू डी टी, ये हो गया। तो ऊपर में दिया कि हाँ बिल्कुल दिया है, तो एक काम करते हैं फोर को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू वन बाई फोर डी टी हो गया। तो यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये हो गया वन बाई फोर, बाहर निकाल दो वन अपॉन टी इंटू डी टी, तो ये हो गया लॉग टी वन बाई फोर हो गया ना। अब टी का वैल्यू क्या है, वन बाई फोर लॉग टी का वैल्यू है थ्री प्लस फोर साइन एक्स, ये हो गया इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अब ये वाला प्रश्न करते हैं, साइन टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है। चलिए नीचे वाले फंक्शन को हम टी मानते हैं, तो यहाँ पे अब ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को हमने माना टी, और इसका जब आप अवकलन करते हो तो ये आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है साइन टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इंटू डी टी। ये याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये फंक्शन होता है, बस याद रखेंगे है ना। और इसको आप क्या रूप में लिख सकते हैं, साइन टू एक्स डी एक्स, और बी को इधर पक्षांतर करें तो वन अपॉन बी स्क्वायर डी टी, ये फंक्शन हो जाता है। तो आपके पास ये दिया हुआ है, आप बना सकते हैं। तो ये सेम रूप है, अब वन अपॉन टी हो गया, ऊपर का हो गया डी टी, तो लॉग टी। हाँ लेकिन एक चीज़ याद रखें कि डी टी के साथ वन बाई मतलब वन अपॉन बी स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो गया वन बाई बी स्क्वायर है ना, और यहाँ पे हो गया आंसर का हो जाएगा
बी स्क्वेयर लॉग का लॉग टी का मान क्या था, यहाँ पे देख लीजिए, ए स्क्वेयर धन बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, ये आंसर था। ओके चलिए अब इसके बाद नया प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 10x अपॉन लॉग सेक एक्स, इसका समाकलन करना है, तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पे हम मानते हैं लॉग सेक एक्स को माना हमने t, और इसका जब आप अवकलन करते हैं तो अवकलन रूप में निकलता है 10x dx dt, बहुत ही सरल, याद रखेंगे। अब ये ऊपर में फंक्शन दिया गया, तो ये इसका टोटलिंग रूप होगा, नीचे वाले को हमने माना 1 अपॉन टी और ऊपर वाले को हो गया डी टी, तो इसका हो गया लॉग टी, और लॉग के साथ टी है तो टी को किसको माना था, यहाँ पे लॉग सेक एक्स, ये हो गया आंसर। बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है। चलिए एक प्रश्न जो कई बार पूछा गया, मेरे ख्याल से मेरा बेस्ट प्रश्न है, अब चलिए बना के देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर लिखा है कॉट एक्स अपॉन लॉग साइन, साइन के बाद लिखा हुआ है होल स्क्वायर, साइन एक्स होल स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है, कॉट एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर। अब इसका करना है, तो ये आई फंक्शन में समाकलन इस रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करें, नीचे वाले को आप टी मानते हैं, जैसे भी मानते हैं, लॉग साइन एक्स को हमने माना टी, तो इसका क्या होता है कोई बताएगा? इसका होता है, हाँ बिल्कुल सही, इसका होता है क्या होता है, कॉट एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। चलिए ऊपर में दिए बहुत सारे सेम है, कोई कठिन नहीं है, डी टी रूप में फंक्शन आ गया है ऐसा, आई बराबर है ना। अब इसको क्या लॉग टी, और लॉग टी के साथ, लॉग के साथ टी है, तो टी का मान क्या था, लॉग साइन एक्स, ये होगा इसका आंसर।